सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पेट रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा, झंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रख यो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात। क्या हो गया कल बवाल, बवाल क्यों उसको सब कहते हो? अरे किसान गए वहाँ पे, किसान ट्रैक्टर लेकर गए दिल्ली में, 40-40 पुराने ट्रैक्टर थे, वे अनपढ़ सारे आदमी थे जो ज़्यादातर ट्रैक्टर चला रहे थे, उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता, उनको खेत के रास्तों का पता रहता है। वे लोग गए हैं वहाँ पे, उनको रास्ता प्रशासन ने पूर्ण रूप से दिल्ली जाने का रास्ता उनको दिया, वे लोग दिल्ली में चले गए, दिल्ली से जाकर अपने घर चले गए। कुछ लोग भटक के लाल किले की साइड में गए, वे वहाँ से फिर घूम कर पुलिस ने उनका सहयोग करा वहाँ पर, उनको फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कि हम बड़ौद साइड के रहने वाले, तो उनको फिर गाजीपुर वाला वो रास्ता दे दिया उनको, वजीराबाद वाला उन्हें निकाले सब लोग। हाँ भड़काओ कर रहे टीवी चैनल वाले, तो मैं वो कर लग रहा है, भड़का लग रहे मेरे को, आतंकवादी हूँ भड़का लग रहा है। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ, हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखो जिसने उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था, मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही, ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा, जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पेट रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा, झंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रख यो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें, बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रहे बात।